भाजपा में कम से कम 25 लोग टिकट मांग रहे हैं, 20 से 25 लोग। तो अब इनका कैंडिडेट आ जाने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारी लड़ाई किससे है। हम कह रहे हैं जब हम हमारे नेता जब विधायक रहे हैं और तमाम पदों पर रहे हैं तो जनता के बीच में काम किए होंगे, जनता को कमजोरी को अच्छी तरह वो समझे होंगे। तो भाई जब दोबारा अगर उनको पार्टी टिकट देगी तो कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होगा उनको चुनाव लड़ने में। खुश तो हम ये कह नहीं सकते हैं, खुश नहीं है, जो वो काम किए हैं जनता के बीच में आएंगे। अगर बढ़िया काम किए हैं तो जनता उनको बढ़िया इनाम देगी। मिली जुली प्रतिक्रिया है और उनको चुनाव जीतने में भी कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हमारी लड़ाई जब तक हर कैंडिडेट तय न हो जाए हर पार्टी का, तब तक हम बता नहीं सकते हैं कि हमारी लड़ाई किससे है। लेकिन हमारा गठबंधन यहाँ जीतेगा और हम जिले के सातों विधानसभा के प्रत्याशी को जिता के और उत्तर प्रदेश के हमारे नेता महबूब नेता अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनकी झोली में डालने का काम करेंगे। हम लोग भाजपा को यहाँ से हटाएंगे और 2022 में अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग पूरे समाजवादी पार्टी जिले की हर इकाई इनके लिए काम करने के लिए तैयार है। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। उत्कर्ष पत्रिका की चुनावी यात्रा जारी है और इस समय हम कुशीनगर जिले के रामकोला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ हमने स्थानीय लोगों से बात की और कामकाज की समीक्षा भी की और स्थानीय विधायक से बात की और समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी हमने बात की। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के जिला अध्यक्ष परवेज आलम जी। हम इनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र का कामकाज कैसा है और जो स्थानीय विधायक हैं उनका कामकाज कैसा रहा है और 2022 के चुनाव में कितनी मजबूती से समाजवादी पार्टी लड़ रही है और इस विधानसभा के क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं आगामी चुनाव में। सबसे पहले तो आलम साहब, आपका बहुत स्वागत है उत्कर्ष पत्रिका में। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सर, ये बताएं कि हम रामकोला विधानसभा में मौजूद हैं, रामकोला विधानसभा का क्या मुद्दा होने वाला है, क्या कुछ विकास के मुद्दे होने वाले हैं जिसको समाजवादी पार्टी उठाएगी और 2022 का चुनाव लड़ेगी इस विधानसभा से? देखिए, हम रामकोला विधानसभा के साथ साथ ज़िले की भी राजनीति करते हैं और ज़िले के संगठन के हम मुखिया हैं। तो मुद्दा रामकोला का हो चाहे ज़िले का हो, समाजवादी पार्टी के लिए मुद्दा एक है। समाजवादी पार्टी किसान के मुद्दे पे, नौजवान के मुद्दे पे, जवान के मुद्दे पे और संगठन का जो इनके पास एक नेतृत्व है उसके मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं। और हम लोग इस समय अपने संगठन के माध्यम से और अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी के जो काम किए हैं, इसके पूर्व में जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, तो उनके बलबूते पे हम लोग भाजपा को यहाँ से हटाएंगे और 2022 में अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग पूरे समाजवादी पार्टी जिले की हर इकाई इनके लिए काम करने के लिए तैयार है और अखिलेश यादव के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। चलिए, अच्छा अब हम बात करेंगे विधानसभा की। आपने कहा कि आप पूरे ज़िले की बात करेंगे लेकिन मैं सिर्फ विधानसभा की बात करूंगा क्योंकि स्पेशली हम विधानसभा कवर करने आए हैं। इस समय यहाँ के स्थानीय विधायक हैं रामानंद बौद्ध जो कि सुहेलदेव समाज पार्टी के विधायक हैं और नई नई जो है यह राजभर की पार्टी आपके अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया और आपकी साथी पार्टी बन चुकी है। उनका कामकाज कैसा रहा इन 5 सालों में? उनका कामकाज तो मान लीजिए ठीक ही रहा है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, अगर हमारे पार्टी के साथ उनका विलय हुआ है तो हम उनके लिए गठबंधन हुआ है तो हम उनके काम काज को देखते हुए भी, जो भी काम किए हैं वो सराहनीय का काम है, उनका काम काज देखते हुए भी हमारे दल के सभी कार्यकर्ता, हमारे नेता जिसको टिकट दे दें चाहे गठबंधन में जाए चाहे पार्टी के नेतृत्व पार्टी के सिंबल से आएँ, हम लोग सब लोग उनके लिए तैयार हैं। हम उनके काम का सराहना करते हैं। मतलब टिकट अगर उनको मिले या समाजवादी पार्टी के नेता को मिले कोई मतभेद की स्थिति नहीं पैदा होगी? नहीं, हम कार्यकर्ताओं में मतभेद की स्थिति नहीं पैदा होगी। हमारे महबूब नेता जिसको टिकट दे, जिसके गले में अपना सिंबल बांध दे, उसके साथ हमारा संगठन रहेगा। और नौजवानों का बहुत बड़ा रेला है और वो सारे लोग यही कह रहे हैं कि जिसको इनका टिकट मिल जाएगा हम उनके साथ रहेंगे।
मुख्य विपक्षी के रूप में आप इस विधानसभा से किसको देख रहे हैं? मतलब अगर समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी का गठबंधन का उम्मीदवार लड़ता है तो उसकी लड़ाई किस उम्मीदवार से होने वाली है, वो किस पार्टी का होगा? देखिए, अगर मान लीजिए गठबंधन से जिसको भी टिकट मिल रहा है, तो पहले तो यहाँ प्रत्याशी भाजपा में कम से कम 2500 लोग टिकट मांग रहे हैं, 20 से 25 लोग। तो अब इनका कैंडिडेट आ जाने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारी लड़ाई किससे है। हमारे जो नेता जो टिकट मांग रहे हैं वो कद्दावर नेता हैं, वो पूर्व विधायक रहे हैं, चार चार बार विधायक रहे हैं, उनके परिवार में और प्रमुखी से लेके और लगातार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग टिकट मांग रहे हैं उनके पास कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, न कोई राजनीतिक उनके पास पद रहा है। इसलिए टिकट आने के बाद हम लोग बताएंगे कि हमारा प्रतिद्वंदी कौन है। कौन मांग रहे हैं आपके आपके नेता? हमारे दल से मांग रहे हैं पूर्णवासी देहाती जी, श्री चंबू चौधरी जी, एक कनौजिया एके बादल जी, इस तमाम लोग मांग रहे हैं। और गठबंधन से मान लीजिए जो यहाँ के सिटिंग MLA हैं वो भी मांग रहे हैं। तो जो भी मांग रहा है वो एक राजनीतिक रसूख वाला है, पद पे रहा है, उसका परिवार भी राजनीतिक रहा है। तो कहीं ना कहीं रसूख भारी पड़ेगा, रसूख वाले लोग ही विधानसभा पहुंचेंगे। आपने कहा कि हमारे नेताओं की पृष्ठभूमि जो रही है पिछले समय में राजनीतिक रही है, कोई ब्लॉक प्रमुख रहा है, जिला पंचायत सदस्य रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के 25 उम्मीदवार टिकट तो मांग रहे हैं लेकिन कोई पुराना राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक रसूख है वो इस विधानसभा में हावी है। हाँ, हम कह रहे हैं जब हमारे नेता जब विधायक रहे हैं और तमाम पदों पर रहे हैं तो जनता के बीच में काम किए होंगे, जनता को कमजोरी को अच्छी तरह वो समझे होंगे। तो भाई जब दोबारा अगर उनको पार्टी टिकट देगी तो कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होगा उनको चुनाव लड़ने में, और उनको चुनाव जीतने भी कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हमारी लड़ाई जब तक हर कैंडिडेट तय न हो जाए हर पार्टी का, तब तक हम बता नहीं सकते कि हमारी लड़ाई किससे है। लेकिन हमारा गठबंधन यहाँ जीतेगा और हम जिले के सातों विधानसभा के प्रत्याशी को जिता के और उत्तर प्रदेश के हमारे नेता महबूब नेता अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनकी झोली में डालने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, फिर उसके बाद क्योंकि समय की कमी है फिर हम भी निकलेंगे और आपको भी कहीं जाना होगा, आखिरी सवाल लेते हैं। ये बताइए कि सड़कों की, बिजली की, पानी की स्थिति कैसी है इस विधानसभा में? जमीनी मुद्दे पे काम हुआ है कि नहीं इस विधानसभा में? देखिए, वर्तमान समय में इस विधानसभा में जो भी काम हुआ है ये कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। जब हमारी सरकार थी और जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे तो जहां आप बैठे हुए हैं, जहां हमारा आप बाइट ले रहे हैं, यहां तहसील उन्होंने बनवाया, बगल में यहां से 100 मीटर पर राम जानकी पुल घाट है जिस पे पुल का निर्माण कराया, यहीं बगल में का कजला की दाह संस्कार गिरी है उस पर हमारे आजम खान साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आके यहाँ शिलान्यास किया और उसको उन करोड़ों रुपया दे के उनको सुंदरीकरण करवाने का और बनवाने का काम किया। हमारा घर जहाँ है सुराहा घाट पे, हमारे नेता ने इसी नदी पे इसी गंडक पे पुल बनवाने का काम किया। तमाम नदी पे बड़े बड़े पुल बने हैं और तमाम हमारे सरकार की तमाम योजना इस रामकोला विधानसभा में हमारे नेता के समय में हुआ है। आपके नेता के समय में हुआ? अभी आपने पहले बताया कि विधायक जी के कामकाज से खुश हैं और काम उन्होंने अच्छा किया है, अब आप कह रहे हैं कि जमीनी मुद्दों पे काम नहीं हुआ है। जी, आप सरकार की काम कर रहे हैं, विधायक का काम? मैंने स्थानीय मुद्दे पे बात की, सड़क बिजली पानी जो स्थानीय विधानसभा के मामले हैं उस पे कैसा काम हुआ है? पहले आपने कहा काम अच्छा हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। नहीं, पिछले साल काम तो नहीं कह रहे हुआ है, हमने कहा कि जो हमारी सरकार में पूर्ववर्ती काम हुआ है उस काम को आपको बता रहे हैं कि अच्छा समाजवादी पार्टी के काम को आप गिना रहे हैं। अभी की जो स्थिति है विधानसभा में, जो बौद्ध साहब जो विधायक हैं उनके कामकाज से नहीं खुश हैं? ना, खुश तो हम ये कह नहीं सकते हैं खुश नहीं है, जो वो काम किए हैं जनता के बीच में आएंगे, अगर बढ़िया काम किए हैं तो जनता उनको बढ़िया इनाम देगी। मिली जुली प्रतिक्रिया है। मैं उनका विरोध भी नहीं कर रहा हूं, जो भी काम किए होंगे अपना काम का लेखा जोखा लेके अगर जनता के बीच में आएंगे, जनता उनका भाई काम किए होंगे तो उनको इनाम देगा, नहीं काम किए होंगे तो उनका जवाब देगा। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ युवजन सभा के, समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के जिला अध्यक्ष परवेज आलम जी। हमने इनसे विधानसभा के तमाम मुद्दों पर बात की और स्थानीय रामकोला विधानसभा के जो जमीनी मुद्दे हैं उस पर बात की, स्थानीय विधायक से जुड़ी बातें की।
इनकी मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। इन्होंने बताया कि कामकाज भी हुआ है और कुछ मामलों में विधायक जी का कामकाज फेल भी है, लेकिन इन्होंने साथ ही यह भी बताया कि अगर गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को टिकट मिलती है या समाजवादी पार्टी को टिकट मिलती है, दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी और इस सीट को विधानसभा पहुंचाने का काम करेगी। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। मेरा नाम है वैभव सिंह।